मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं बीमार हो गई थी, तो मेरे को मैं PhD छोड़ने पे आ गई थी। तो मेरे गाइड हैं जो, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि नहीं, हार नहीं माननी चाहिए, आप करो। तो ऐसा कोई बोल नहीं सकता। तो यहाँ वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, रिसर्च की तरफ काफ़ी अच्छा ध्यान दे रहे हैं। पे थोड़ा सा ये है कि स्कॉलरशिप तो एक तो बहुत अच्छी है, 90% तक स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पे। My lab in school, I think 67 lab are there and 300 acre area we are having. अगर आप, मैं जिनका अभी नाम ले रहा था कि जैसे डॉक्टर यू एस वालिया हैं, डॉक्टर HS थिंड हैं और ये काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, इनका आप अगर देखोगे वर्ल्ड वाइड नेम है इनका, इंडिया में तो बहुत अच्छा नेम है, इनकी बुक्स चलती हैं, तो बहुत अच्छा, ऐसी फैकल्टीज़ यहाँ हो तो सब बिग अपॉर्चुनिटी टू ऑल। एग्रीकल्चर जो है ना, ये हमारे देश का बैकबोन है और मुझे शुरू से ही इस फील्ड में जानी थी। तो जब बात आई कि कहाँ जाके अपने हायर स्टडी कंटिन्यू करूँगा, तो मेरा ये मानना था कि जो निजी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, थोड़ा ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं। तो जब मैंने पूरी रिसर्च की, पूरे इंटरनेट पे जब खोज अपना शुरू किया, तो मुझे मिला ऐसा कि जो LPU था वो एक्चुअली इट वाज बेटर परफॉर्मिंग देन ऑल द यूनिवर्सिटीज़, एंड ये सबसे पहला यूनिवर्सिटी है जो जिसको ICR का एक्रेडिटेशन मिला। तो मैंने जब लोगों से रिव्यू लेना शुरू किया तो लोग अजीब अजीब सी चीज़ें बता रहे थे, लेकिन मेरे को लगा नहीं कि ऐसे मतलब हो सकता है। जब मैं यहाँ पर आया तो जो चीज़ें मैंने इंटरनेट पर देखी थी, एक्चुअली जो था वो है। मेरा नाम शुभदीप देवनाथ है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ एंड राइट नाउ मैं सेकेंड ईयर BSc एग्रीकल्चर LPU का स्टूडेंट हूँ। तो टेंथ के बाद से ही मुझे एग्रीकल्चर करने का बहुत शौक था, मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई है। तो मैं ना ICR के लिए प्रिपरेशन शुरू किया, तो देन जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था, एक नंबर के चलते मेरा मतलब नहीं हुआ सरकारी कॉलेज में। तो तभी खोज शुरू हुई कि कौन सा कॉलेज मेरे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी होगी। देन मुझे LPU के बारे में पता चला और थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि ये पहली ICR से एक्रेडिटेड प्राइवेट कॉलेज है। तो मतलब तब फिक्स हो गया था कि मैं यहीं पे आऊँगा। मैंने बहुत मिथ सुनी थी इस कॉलेज के बारे में, बट जब मैं यहाँ पे आया, मेरा एडमिशन हुआ एंड मैं क्लासेस करने के साथ साथ मैं पूरा कॉलेज ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो पूरा ही मुझे फेक लगा कि जो लोग बोलते थे कि ये होता है, तो मुझे वैसा कुछ दिखाई नहीं। इट वॉज़ अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। जो लैब्स है, फील्ड एक्सपीरियंस है एंड जो रिसर्च के लिए जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत बढ़िया है। एंड यहाँ के फैकल्टीज़ तो एक पहली बार वो डॉक्टरेट है एंड कुछ फैकल्टीज ऐसे भी है जो 50+ पेटेंट्स ओन करते हैं यहाँ पे। तो ये एक और अमेजिंग फैक्ट होगी मेरे लिए जो मैं जान के बहुत खुश हूँ। माय नेम इज़ संगम, मैं अभी PhD फर्स्ट ईयर और आई डिड माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम लवली यूनिवर्सिटी एंड नाउ आई एम परसुइंग माय PhD फ्रॉम लवली इटसेल्फ। बहुत बढ़िया है यहाँ, अभी आप ट्रायल्स देखोगे तो बहुत अच्छे मेंटेन किए हैं स्टूडेंट्स ने और स्टूडेंट एफर्ट भी बहुत कर रहे हैं और आप लेबर भी बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ। अभी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो रिसर्च की तरफ थोड़ा कम मतलब फोकस मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया, तो यहाँ वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, रिसर्च की तरफ काफ़ी अच्छा ध्यान दे रहे हैं। अभी जैसे आप ट्रायल्स देखोगे, ये रमन का ट्रायल लग रहा है, इसका प्लांटिंग पैटर्न पे है, नाइट्रोजन काफ़ी अच्छा काम है, उसके पीछे आप देखोगे तो फैनल लगी हुई है, उनका भी प्लांटिंग पैटर्न पे, मल्चिंग पे काम है। अभी लाइक मेरा ट्रायल लगा है वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस पे काम है, तो डॉक्टर US वालिया हैं, डॉक्टर HS थिंड हैं और ये काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं इनका, आप अगर देखोगे वर्ल्ड वाइड नेम है इनका, इंडिया में तो बहुत अच्छा नेम है, इनकी बुक्स चलती हैं, तो बहुत अच्छा, ऐसी फैकल्टीज़ यहाँ हो तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी टू ऑल। एंड
एमएससी में यहाँ पे एडमिशन लिया था, उस टाइम क्या हुआ कि दो सेमेस्टर के बाद ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, और लॉकडाउन के बाद तो हम सबको ही था कि रिसर्च वर्क कैसे कम्प्लीट करें। उस ड्यूरिंग मैंने घर से ही कम्प्लीट किया, तो जो मेरे गाइड थे बाकी के यहाँ पे सब ने सपोर्ट किया, मैंने घर पे ही कंप्लीट कर लिया। एप्पल पे मेरा वर्क था क्योंकि मैं फूड साइंस से हूँ, तो एप्पल पे वर्क किया। देन मैंने सोचा कि फिर यहाँ पे मुझे पता चला कि पीएचडी का क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि स्कॉलरशिप तो एक तो बहुत अच्छी है, 90% तक स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पे एलपीयू नेस्ट के थ्रू, तो वो स्कॉलरशिप का टेस्ट देके तो फीस भी कम लग रही है। दूसरा कि मैं पहले से ही वेल एक्वेंटेड हूँ यहाँ के लिए, अच्छे से अडेप्टेड हूँ इस एरिया के लिए, तो मैंने सोचा वाई नॉट यहाँ पे दोबारा एडमिशन क्यों ना ली जाए, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मतलब बेसिकली मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, यहाँ पे हम लोग को पहले बार ये चीज़ नहीं देखने को मिला, हम लोग को यहाँ पे आके जो है ये चीज़ें मिली हैं देखने के लिए, जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, खीरे हैं, और गर्मियों में जैसे सब्जियाँ सारियाँ यहाँ पर लगती हैं। एक टमाटर है छोटा वाला वेराइटी, देखें आप, चेरी टमाटर है, चेरी टमाटर एक पीले रंग का होता है, हाँ एक लाल रंग का होता है, बच्चे भी रहते हैं हमारे यहाँ के आदमी। They are doing and having the teaching cell very old, but in the LPU, the system is very advanced. Our students, faculty, staff, everyone is using UMS system, but there is no UMS system in the other universities. Like point of view, if you see the buildings, the labs, and the fields, we have the advanced field, we have the advanced lab also. In my lab, in school, I think 67 lab are there. थोड़ा अप्रोक्सीमेटली मुझे डाउट भी सकता है, लेकिन निराम आउट या 60 लैब आर देर आई थिंक, एंड 300 एकर एरिया वी आर हैविंग डिफरेंट डोमेन्स वाइज, लाइक हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी। वी आल्सो हैविंग दी सेपरेट यूनिट्स लाइक दी हाइड्रोपोनिक्स, वर्मी कंपोस्ट, बायो कंट्रोल लैब वी आल्सो हैविंग, राइट? सो वी आर डिफरेंट इन मैनी वेज फ्रॉम दी अदर यूनिवर्सिटी। एलपीयू में ये तो है, मतलब लड़का लड़की सेम ही है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा काम थोड़ा ना बढ़ जाएगा कि लड़की है तो ये काम करेगी, लड़के तो काम करेंगे। लिटरली द रिसोर्सेज वी आर हैविंग हियर दैट इज अम्यूजिंग, जो भी फैकल्टी है हमारी यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है एंड सपोर्टिंग बहुत ज़्यादा है। लैब रिसोर्सेज जो भी हमको मिले हैं, दैट इज द रीजन वी आर हैविंग आईसीआर राइट नाउ एंड वी वुड बी हैविंग। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी काफ़ी मतलब डेवलप हो रही है, पीछे की तरफ भी आप देखोगे तो काफ़ी क्रॉप्स हैं, जैसे वीट, राइस वगैरह ग्रो करते हैं। इधर हॉर्टिकल्चर का फार्म है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रॉबेरी के अलावा वहाँ पे पपाया के प्लांट्स हैं, बनाना के प्लांट्स हैं, मतलब ओवरऑल काफ़ी मतलब डेवलपमेंट हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर। मेरा जो पर्पज़ है यहाँ पे, जैसे कि मैं PhD कर रही हूँ, तो ऐसा तो मेरा तो पहले से इंटरेस्ट नहीं था मतलब PhD करने का, मैंने सोचा MSc के बाद, मैंने यहाँ से MSc करी है, तो यहाँ का सारा सिस्टम मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार PhD भी कर लेनी चाहिए, बिकॉज टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, फैकल्टी मेंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़। एंड यहाँ पे सबसे अच्छा पता क्या है कि आपको हर कोई सपोर्ट करेगा कि आप ऐसा करो। अब मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं बीमार हो गई थी, तो मैं PhD छोड़ने पे आ गई थी, तो मेरे गाइड हैं जो, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि नहीं हार नहीं माननी चाहिए, आप करो, तो ऐसा कोई बोल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कोई भी फैकल्टी मेंबर आता है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, वो बताते हैं हाँ बेटा इसमें ये चीज़ करो तुम लोग, जैसे कि ये पॉली टनल्स बनाए हैं मैंने, इसमें ये पॉलीथीन शीट यूज़ किए, तो एक सर है जो मेरे गाइड भी नहीं है, उन्होंने मुझे अपने आप बताया कि अगर टेम्परेचर से बचाना है, फ्रॉस्ट इंजरीज से बचाना है प्लांट्स को, तो आप ये यूज़ कर सकते हो उसमें, तो बहुत मतलब सारे ही फैकल्टी मेम्बर्स बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं।